आंखों में गजब की कशिश, चेहरे पर अलग सा आत्मविश्वास, चाल ढाल में शेरों जैसा रुआब और इन सब के साथ मदमस्त कर देने वाली सुंदरता और रौबदार आवाज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के पहले स्टाइल आइकॉन फिरोज खान साहब की। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। चाहे मेरी जान तो ले ले, चाहे ईमान तो ले ले, प्यार एक बार तो दे दे, भैया हो भैया। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। भारतीय सिनेमा की दुनिया में लगभग 50 सालों तक अपने अलग अंदाज और कमाल के हुनर के चलते बड़े पर्दे पर करोड़ों सिनेमा प्रेमियों को अपना मुरीद बना देने वाले इस अभिनेता की जिंदगी का हर पहलू बेहद ही रोचक रहा है। आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्मों के पहले काउबॉय फिरोज खान साहब की जिंदगी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके जीवन से जुड़े हर दिलचस्प पहलू के बारे में। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। 25 सितंबर 1939 को पराधीन भारत के बैंगलोर शहर में अफगानिस्तान के गजनी से संबंध रखने वाले पिता सादिक अली खान तानोली और ईरान से संबंध रखने वाली मां फातिमा के घर में जुल्फिकार अली शाह खान यानी फिरोज खान का जन्म हुआ था। फिरोज खान अपने पिता की 7 संतानों में अपने चारों भाइयों और दोनों बहनों से बड़े थे। इनके भाइयों के नाम शाह अब्बास खान यानी फेमस एक्टर संजय खान, शाहरुख शाह अली खान, समीर खान और अकबर खान थे और इनकी दोनों बहनों के नाम खुर्शीद शाहनवार और दिलशाद बेगम था। फिरोज खान की ही तरह उनके दो भाइयों अकबर खान और संजय खान ने भी फिल्मों को बतौर कैरियर चुना। अकबर खान ने टीवी सीरियल अकबर द ग्रेट में मुख्य भूमिका निभाने के अलावा इस सीरियल से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े। आगे चलकर वो साल 2005 में अपनी मैग्नम ओपस ताजमहल एन इंटरनेशनल लव स्टोरी फिल्म के भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे। बात करें संजय खान की तो वो फिरोज खान के बाद अपने परिवार के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले अभिनेता रहे। संजय ने एक फूल दो माली, धुंध और नागिन जैसी बेहद ही लोकप्रिय फिल्मों में काम करने के अलावा 90s के हिट टीवी सीरियल जय हनुमान और द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान का निर्माण भी किया था। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के मुख्य किरदार फिरोज खान की तरफ। बात करें इनकी स्कूली जिंदगी के बारे में तो इन्होंने बैंगलोर के बिशप कॉटन बॉयज स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की और आगे सेंट जर्मन हाई स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज आते आते फिरोज को उनके दोस्तों और अन्य जानने वाले लोगों से उनके चाल ढाल, लुक्स और ड्रेसिंग सेंस के कारण तारीफें मिलने लगी थी और उनके दोस्तों के बीच जब ये बातें चलने लगी कि उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए तो दिल के एक कोने में फिरोज को खुद पर विश्वास होने लगा और वो इस नई दुनिया के बारे में सोचने लगे। इस तरह से आखिरकार वो 50 के दशक के मध्य में बम्बई आ गए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी प्रशंसा और तारीफों को सुनकर माया नगरी आए फिरोज खान भी हर किसी की तरह बॉलीवुड में हीरो बनने ही आए थे, लेकिन अपने हिस्से का संघर्ष करने के बाद उनका कैरियर स्टंट फिल्मों से लेकर बी और सी ग्रेड की फिल्मों से शुरू हुआ। सिनेमाई दुनिया में टिके रहने की सौगंध खाकर आए फिरोज खान ने ऐसी फिल्मों में काम करना इसलिए स्वीकारा क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि आगे उनका समय जरूर आएगा। कम बजट और छोटे बैनर की फिल्मों को अपने उरूज की पहली सीढ़ी मानकर आगे बढ़ रहे फिरोज खान को हिंदी सिनेमा में अपना पहला काम साल 1956 में आई फिल्म हम सब चोर हैं में मिला। इस फिल्म में वो कुछ पलों के लिए ड्राइवर के रोल में नजर आए थे। बड़े बड़े सितारों से सजी फिल्म हम सब चोर हैं में उनका किरदार काफी छोटा था, लेकिन किसी तरह शुरुआत हो गई थी और अब फिरोज खान को यह सफर जारी रखने की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने जमाना और बड़े सरकार जैसी फिल्मों का सहारा लिया, लेकिन पहचान अब भी दूर थी। खैर, साल 1959 में आई सुनील दत्त की फिल्म दीदी में फिरोज खान को नोटिस होने लायक रोल मिला। इस फिल्म में बड़े बड़े कलाकारों के बीच मधु नाम के नौकर के किरदार में उन्होंने कुछ समय के लिए ही सही पर अपनी जगह अवश्य बनाई। घर से हीरो बनने चले फिरोज खान को कुछ सालों के संघर्ष के बाद साल 1960 में आई फिल्म घर की लाज में लीड किरदार निभाने का मौका मिला।
V.M. व्यास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में फिरोज खान के साथ निरूपा रॉय ने भी काम किया था, लेकिन यहाँ भी बजट और ऑडियंस ने फिरोज खान का साथ नहीं दिया और एक सशक्त किरदार में होने के बावजूद उनकी ये फिल्म भी पिछली बाकी फिल्मों की श्रेणी में ही शामिल होकर रह गई। सफलता की तलाश में घूम रहे फिरोज खान को साल 1962 में हॉलीवुड फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया में प्रिंस रघु कुमार का रोल निभाने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके साथ मुराद और सिमी ग्रेवाल जैसे अन्य भारतीय कलाकारों ने भी काम किया था। इसी साल फिरोज खान को एक बार फिर फिल्म रिपोर्टर राजू में एक अच्छा किरदार मिला। सफलता भले ही इस फिल्म में भी उनसे दूर रही, लेकिन फिरोज खान खुश थे कि अब उन्हें एक अभिनेता के तौर पर लगातार अच्छा काम मिल रहा है। भारतीय सिनेमा की स्टंट फिल्मों से लेकर हॉलीवुड तक अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके फिरोज खान के कैरियर में 1965 का साल सबसे यादगार रहा। इस साल उनके कैरियर की पहली बड़ी और सफल फिल्म ऊंचे लोग आई, जिसमें उनके साथ उनके आइडल राजकुमार और अशोक कुमार काम कर रहे थे। खैर, इस फिल्म ने फिरोज को एक अलग ही स्तर की पहचान दिलाई और यहीं से उन्हें बड़े बैनर्स और बड़े बजट की फिल्में मिलने लगी। इस तरह से फिरोज खान का फिल्मी कैरियर चल निकला। इसी साल फिरोज खान को रामानंद सागर साहब की सुपरहिट फिल्म आरजू में भी काम करने का मौका मिला, जो साल की चौथी सबसे सफल फिल्म रही। इस फिल्म में फिरोज खान को रमेश नाम का किरदार किस तरह मिला, इस बारे में भी एक काफी दिलचस्प किस्सा है। दरअसल फिल्म आरजू में फिरोज खान के साथ काम करने वाले अभिनेता राजेंद्र कुमार ने उनको साल 1963 की फिल्म बहुरानी में देखा था और उन्हें फिरोज का काम बहुत पसंद आया था। आरजू फिल्म के सेकंड लीड किरदार के लिए जब कुछ अभिनेताओं ने मना कर दिया तो राजेंद्र कुमार ने ही रामानंद सागर के सामने फिरोज खान का नाम रखा और सागर साहब उनकी यह बात मान भी गए थे। इसी तरह एक किस्सा साल 1962 में आई फिल्म मैं शादी करने चला से भी जुड़ा हुआ है। ये फिल्म पांच बहनों की कहानी है, जिनके अपोजिट पांच अभिनेताओं को कास्ट करने की बात चल रही थी। फिरोज खान को जब इस फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया था तो सेट पर एक दिन वो इस फिल्म में काम कर रही तबस्सुम के पास आए और कहा कि आप इस फिल्म लाइन में बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर रूप किशोरी से भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो आप उनसे बात करके मेरी जोड़ी आपके अपोजिट बनाने के लिए कह दीजिए। तबस्सुम जी ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें अपने डायरेक्टर से इस तरह की बात करना अच्छा नहीं लगता था। तबस्सुम जी बताती हैं कि इस घटनाक्रम के बाद उनसे नाराज फिरोज साहब ने उनके साथ कभी काम नहीं किया। इस साल एक तरफ जहां फिरोज खान का कैरियर तेजी से आगे बढ़ने लगा था, तो वहीं इसी साल सुंदरी खान नाम की एक एयर होस्टेस से इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। सुंदरी खान से फिरोज के दो संतानें हैं, जिनका नाम है लैला खान और फरदीन खान। बहरहाल फिरोज खान का कैरियर अब साल दर साल ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगा और इसी दौरान उन्हें साल 1967 में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री नरगिस के साथ भी काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम रात और दिन रहा, जो नरगिस जी के कैरियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। खैर, साल 1969 में यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म आदमी और इंसान के लिए फिरोज खान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ, लेकिन इस समय तक विदेशी लोकेशंस और रेसिंग के शौकीन फिरोज समझ गए थे कि उन्हें दूसरे बैनर्स के तले वो सब कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा जो वो इस अप्रतिम सिनेमाई दुनिया में करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने डायरेक्शन में हाथ आजमाने के लिए उसकी बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। और अप्रैल 1972 में इनके डायरेक्शन में पहली फिल्म अपराध रिलीज हुई, जिससे ये प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़े हुए थे। रेसिंग सीन्स के साथ जर्मनी में शूट हुई इस फिल्म में फिरोज खान के अपोजिट मुमताज ने काम किया था। फिर आया साल 1974, जिसमें इनकी 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें भगत धन्ना जाट नाम की पंजाबी फिल्म भी शामिल रही। इसके अलावा खोटे सिक्के में इनके काउबॉय किरदार को काफी पसंद किया गया। इसके अगले ही साल 1975 में फिरोज खान के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनी दूसरी फिल्म धर्मात्मा रिलीज हुई। इस फिल्म से फिरोज खान ने बड़े कलाकारों के भव्य रूप से पर्दे पर लाने का जुनून सफल हुआ। ये अफगानिस्तान में शूट हुई भारत की पहली फिल्म भी रही। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आई हेमा मालिनी की खूबसूरती को फिरोज खान ने पर्दे पर कुछ इस तरह से सामने रखा था
कि उसे देखकर उस समय के दर्शक तो छोड़िए, खुद कई दिग्गज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैरान हो गए थे। धर्मात्मा म्यूजिक सुपरहिट रही और ये फिरोज खान के प्रोडक्शन हाउस की पहली ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। धर्मात्मा को मिले रिस्पॉन्स को देखकर फिरोज साहब ने अपनी अगली फिल्म कुर्बानी की घोषणा कर दी, जिसके लिए कहा जाता है कि फिल्म के सेकंड लीड का किरदार पहले अमिताभ बच्चन को दिया गया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिरोज खान ने विनोद खन्ना को कास्ट कर लिया। गौरतलब है कि विनोद खन्ना और फिरोज साहब की दोस्ती जो इस फिल्म से शुरू हुई थी वो आगे मरते दम तक बरकरार रही। विनोद खन्ना और फिरोज खान की जिंदगी कुछ इत्तेफाकों से भी जुड़ी रही, जिनमें से एक यह है कि इन दोनों अभिनेताओं ने एक ही तारीख पर इस दुनिया को अलविदा कहा था। बहरहाल लगभग 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में फिरोज खान ने अपनी हर मंशा को मूर्त रूप दे दिया था। इटालियन एक्शन क्राइम फिल्म द मास्टर टच पर आधारित इस फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट रहा, जिसके एक गीत आप जैसा कोई इंग्लिश म्यूजिशियन बिद्दू अपैया ने पाकिस्तानी सिंगर नाजिया हसन को बॉलीवुड में ब्रेक दिया था। खैर, इस दौरान फिरोज खान अपने बैनर की फिल्मों के लिए पैसा जुटाने हेतु अन्य बैनर की औसत फिल्मों में भी काम करते रहे। आगे चलकर इन्होंने अपनी एक पुरानी कहानी में बदलाव करके उसे जाबाज के नाम से बनाया, जो कि साल 1986 में रिलीज हुई। लेकिन इस दौरान उनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल चल रही थी, क्योंकि उनकी पत्नी सुंदरी ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था। गौरतलब है कि एक एयर होस्टेस से प्रेम विवाह के टूटने का कारण भी एक और एयर होस्टेस रही, जिनका नाम ज्योतिका धनराज था। इसके अलावा फिरोज खान का नाम समय दर समय उस दौर की कुछ अन्य बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ भी जोड़ा गया था, जिनमें मुमताज और जीनत अमान का नाम प्रमुखता से लिया जाता था। खैर, जमाज के बाद फिरोज खान ने अपनी अगली फिल्म यलगार पर काम शुरू कर दिया, लेकिन इसी दौरान एक दिन उन्होंने साउथ इंडस्ट्री की मशहूर फिल्म नायकन देखने के बाद यलगार को छोड़कर नायकन को हिंदी में दयावान के नाम से बनाना शुरू कर दिया, जिसमें एक बार फिर से फिरोज खान ने अपने जिगरी दोस्त विनोद खन्ना को कास्ट किया। सितंबर 1988 में रिलीज हुई यह फिल्म अपने संगीत, अभिनय और उस 2 मिनट के इंटीमेट सीन की वजह से आज भी चर्चाओं में बनी रहती है। इस फिल्म के 2 गाने आज फिर तुम पे प्यार आया है और चाहे मेरी जान तू ले ले को अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में रिक्रिएट भी किया जा चुका है। दयावान की सफलता के बाद फिरोज खान ने एक बार फिर से यलगार पर काम शुरू किया, लेकिन इस बार कहानी और कास्ट बदल गई थी। याद रहे कि इस फिल्म में मुकेश खन्ना ने फिरोज खान के पिता का किरदार निभाया था, जो उम्र में फिरोज साहब से 21 साल छोटे हैं। साल 1992 में आई फिल्म यलगार बॉक्स ऑफिस पर वो सफलता हासिल नहीं कर पाई जिसकी फिरोज खान को आदत पड़ गई थी, लिहाजा उन्होंने इस फिल्म के बाद एक लंबा ब्रेक ले लिया। लगभग 6 सालों तक फिल्मों से दूर रहने के बाद अपने बेटे फरदीन खान को लॉन्च करने के लिए फिरोज खान ने फिर से सिनेमा का रुख लिया, लेकिन इस बार सिर्फ कैमरे के पीछे ही रहे। ये फिल्म थी साल 1998 की प्रेमगन। हालांकि इसका भी हाल यलगार से जुदा नहीं रहा और फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने अपने बेटे के करियर को संवारने के लिए आखिरी कोशिश के रूप में जानशी का निर्माण किया, लेकिन यहाँ भी सफलता उनसे कोसों दूर रही। अपने आजाद ख्याली और बेबाकी के लिए प्रसिद्ध फिरोज खान मई 2006 में उस समय खबरों में आ गए जब उन्होंने अपने भाई अकबर खान की फिल्म ताजमहल को प्रमोट करने के दौरान पाकिस्तानी मुस्लिमों के खिलाफ बयान दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने भविष्य में उन्हें पाकिस्तान आने से बैन कर दिया था। लंग कैंसर से जूझ रहे फिरोज खान की आखिरी फिल्म वेलकम रही, जिसमें इनके किरदार RDX को काफी पसंद किया गया था। कहा जाता है कि फिरोज खान अपने आखिरी दिनों में फिल्म कुर्बानी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन स्क्रिप्ट पूरी होने से पहले ही 27 अप्रैल 2009 को उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बेंगलोर में उनकी माँ की कब्र के पास ही उन्हें दफन कर दिया गया। बात करें फिरोज खान को मिले पुरस्कारों की, तो उन्हें साल 1971 में फिल्म आदमी और इंसान के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ साल 2001 में फिल्म फेयर के द्वारा ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा साल 2004 में जानशी फिल्म में उनके शानदार खलनायकी के लिए उन्हें आईफा के द्वारा बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड भी प्रदान किया गया। इसके तकरीबन 4 साल बाद जी सिने अवार्ड्स की तरफ से भी फिरोज साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया था।
तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के पहले स्टाइल आइकॉन और हैंडसम काउबॉय फिरोज खान पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।